स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को सिडनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दक्षिण अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि वो काफी निराश हैं और पूरी जिंदगी उन्हें इस घटना का मलाल रहेगा। निराश स्मिथ खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। स्मिथ आज दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार रोते रहे। वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक स्टीव स्मिथ को इस तरह रोता देख क्रिकेट जगत ने उनसे सहानुभूति जताई है। सोशल मीडिया पर स्टीव स्मिथ का समर्थन करते हुए कई खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है। टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि स्टीव स्मिथ को जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर जिस तरह से ट्वीट किया गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से स्मिथ भावुक हुए वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। खेल की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई इनकार नहीं करता। रोहित ने कहा कि स्मिथ ने एक गलती की और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा यहाँ बैठकर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाना अनुचित होगा, लेकिन स्मिथ महान खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये विवाद उन्हें परिभाषित करता है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फाफ डु प्लेसी ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ पर लगा 12 महीने का प्रतिबंध काफी कड़ा है। उन्होंने जोहानिसबर्ग में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें स्मिथ के लिए बहुत दुख है और उन्होंने उनके समर्थन में एक संदेश भेजा है। डु प्लेसी खुद गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में 2 बार दोषी पाए जा चुके हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।